हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम ड्राइव सो आज इस वीडियो में बात करने वाले सी एस आई आर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीरी की तरफ से निकाले रहे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में अब स्टार्टिंग बता देना चाहता तो हूँ ये रिक्रूटमेंट आपका आई टी और डिप्लोमा वालों के लिए अब डिप्लोमा में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपको आई में फ्रेशर्स एलिजिबल है तो आई टी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है परमानेंट जॉब है यहाँ पे देख सकते हैं अट्ठाईस एक दो हज़ार बाईस आज के डेट से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और एक तीन दो हज़ार बाईस तक फॉर्म फिलअप चलेगा तो इस बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं आपका आई के स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई में आपको एक्सपीरियंस नहीं माया गया है तो आई में कौन कौन से लोग एलिजिबल है तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दिया गया है टेक्नीसियन आई के लिए पोस्ट है टोटल यहाँ पे देख सकते हैं ट्वेंटी फोर वैकेंसी अलग अलग ब्रांचेस को मिला के और टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे इलेवन वैकेंसी अलग अलग ब्रांचेस को मिला के बट यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांग दिया गया है सैलरी देख सकते हैं यहाँ पर आपको सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको एज लिमिट आपको अट्ठाईस ईयर्स रखा गया है एक तीन दो हज़ार बाईस तक एज लिमिट और आपका क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा और एक्सपीरियंस भी इसी डेट तक काउंट किया जाएगा नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल है क्या मांगा गया है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका टेक्नीशियन यानी कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में यू में एक वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ सिंपल सा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ध्यान देना है यहाँ पर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप वाले पे यानी कि सेकेंडरी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी एस टेंथ प्लस आपको बोला गया है आई टी आई होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं दो साल का अब यहाँ पर जो आपको आई टी आई बोला गया देख लीजिएगा हर एक जो ब्रांच लिखा गया उसके, उसके कंसीडर करके उसके रिस्पेक्टिव में आपको यहाँ पे लिया गया है तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिएगा मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यहाँ पर, पर एलिजिबल है एक पोस्ट है नीचे में यहाँ पर बोला गया अगर आपका टेंथ है और दो साल का आपके पास यहाँ पर फुल टाइम एक्सपीरियंस है इसी इसी फील्ड में तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है सिंपल सा है यहाँ पे देख सकते हैं आप टेंथ प्लस आपके पास आई टी आए फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पे एलिजिबल है कोई दिक्कत नहीं है आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी यहाँ पे चलेगा नेक्स्ट इसी तरह से आप देख सकते हैं टेक्नीसियन यानी कि एलेक्ट्रीसियन में यहाँ पर देख सकते हैं आपको यू आर में दो वैकेंसी एस सी कैटेगरी में दो वैकेंसी यहाँ पर भी सेम रखा गया आपके पास अगर टेंथ प्लस दो साल का आपके पास आई टी आई है इलेक्ट्रीसियन में तो आप यहाँ पर एलिजिबल है अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे नेशनल सर्टिफिकेट हो या फिर स्टेट सर्टिफिकेट हो मतलब आपका एन हो या फिर एस दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल है नेक्स्ट उसी तरह से देख सकते हैं टेक्नीसियन में यहाँ पे प्लम्बर में एक वैकेंसी है लेकिन ओबीसी में यूआर में नहीं है यहाँ पर भी आपको प्लम्बर में आई टी आई मांगा गया है एन सी कोई दिक्कत नहीं आपका चलेगा नेक्स्ट उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीसियन मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आपके पास मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आई मांगा गया बट यहाँ पर ओ में है वैकेंसी एक ही है यू में नहीं है इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे टेक्नीशियन टूल एंड डाई मेकर में आपको ओ में है एक वैकेंसी यहाँ पर भी आपको टूल एंड डाई मेकर में आई बोला गया है दो साल का आई होना चाहिए टेंथ के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन टर्नर में एक यू में है एक ओ बी सी में है, आपके पास टेंथ प्लस आई होना व, चाहिए एन सी हो तो चाहे फिर एस सी हो टर्नर ट्रेड में होना चाहिए नेक्स्ट इसी तरह से आपको टेक्नीशियन फिटर में एक वैकेंसी यू में एक एस में और एक ई में यहाँ पर भी आपको आई बोला गया टेंथ के बाद आई आपके पास होना चाहिए फिटर ट्रेड में नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीसियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यू आर में, में दो वैकेंसी है एस सी कैटेगरी में एक वैकेंसी ई डब्ल्यू एस में एक वैकेंसी है टेंथ प्लस आपके पास आई टी आई होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में एन सी बी टी या फिर एस सी बी टी कोई भी आपका चलेगा नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नीशियन कोपा यानी कि कंप्यूटर वालों में यहाँ पर आपका यू आर में दो वैकेंसी है एस टी में एक वैकेंसी है और उसी तरह आप कैटेगरी वाइज और भी है यहाँ पर अपने अपने कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा यहाँ पर आपको देख लीजिए टेंथ प्लस आई टी आई बोला गया है कोपा में दो साल का आई टी आई एन सी बी टी या फिर एस सी बी टी कोई भी हो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल प्लांट में आपके पास आई होना चाहिए दो साल का यू में एक वैकेंसी है एस में एक वैकेंसी है टी में एक वैकेंसी है नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि आपका डिप्लोमा वालों के लिए बट मैंने पहले ही आपको बताया डिप्लोमा में एक्सपीरियंस बोल दिया गया है आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए यहाँ पर और साथ में दो साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है आपके पास होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल है बात कर लेते हैं ब्रांचेस के बारे में तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए है यू में एक वैकेंसी ई में एक है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में प्लस दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में आपके पास नेक्स्ट इसी तरह से आपको टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में भी एक एस में है एक ओ में पोस्ट है और यहाँ पर भी आपको मैकेनिकल के साथ साथ तीन साल का डिप्लोमा मैकेनिकल के साथ साथ दो साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं सिविल में डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है आपके पास डिप्लोमा प्लस दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में यू में एक पोस्ट है ओ में एक पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर या फिर आई में भी यहाँ पर सेम है यू में दो वैकेंसी एस में एक वैकेंसी ओ में एक वैकेंसी है और आप कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा और डिप्लोमा में यहाँ पर आपके पास दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा के साथ तो आप यहाँ पर एलिजिबल है तो आपको डिप्लोमा में आपको एक्सपीरियंस बोल दिया गया दो साल का बट आई में एक्सपीरियंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं आई वाले एलिजिबल है, है विदाउट एक्सपीरियंस के अब आपको अप्लाई कैसे करना है सलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है तो नीचे में आपको सब कुछ मेंशन किया गया देख सकते हैं यहाँ पे सलेक्शन प्रोसेस फॉर टेक्नीसियन यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे सलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आई वालों के लिए सलेक्शन प्रोसेस बोला गया पहले ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा और ट्रेड टेस्ट में जो लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग में शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा तो आई के लिए पहले ट्रेड टेस्ट देन रिटर्न टेस्ट तो इस बात का ध्यान देंगे और फाइनल जो मेरिट बनेगा वो रिटर्न टेस्ट के बेसिस पर बनेगा अब डिप्लोमा वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा वालों के लिए भी सेम चीज बोला गया पहले आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए उसके बाद आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको रिटर्न टेस्ट के लिए इन्वाइट किया जाएगा अब डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस बोला गया पहले आई वालों के लिए बात कर लेते आई वालों के लिए देख सकते सिलेबस यहाँ पर बोल दिया गया वन फिफ्टी क्वेश्चन रहेगा तीन पेपर होगा पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर वगैरह के बारे में आपको डिटेल दे दिया गया है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं अपना अपना पेपर के हिसाब से नेगेटिव किस में रहेगा किस में नहीं रहेगा सब कुछ बता दिया गया है पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री होगा पेपर टू और पेपर थ्री के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल जो मेरिट है वो पेपर टू और पेपर थ्री के बेसिस पे बनेगा पेपर वन सिर्फ आपका इवोल्यूशन के लिए रहेगा पेपर पेपर टू और पेपर थ्री के बेस पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा चाहे वो आई हो चाहे वो डिप्लोमा हो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिप्लोमा के लिए देख सकते हैं ये डिप्लोमा का आपका है तो डिप्लोमा वाले भी चेकआउट कर सकते हैं अपना अपना क्या आपका आएगा क्या नहीं आएगा यहाँ से आपको नोटिफिकेशन से आप चेकआउट कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है हंड्रेड रुपीज़ आपको फी लगने वाला है मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ सो so, यहाँ पे देख सकते हैं हंड्रेड रुपीज़ आपको फी लगने वाला है यू कैटेगरी के लिए बाद बाकी अपने अपने आपका कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है आप अप्लाई कर सकते हैं अभी से ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं डी डॉट आर ई एस डॉट इन वेबसाइट पर जाइएगा तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं आप एक से ज़्यादा पोस्ट को के लिए भी एलिजिबल है आपको अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा और सेपरेट फी भी पे करना होगा नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको नॉर्मल से यहाँ पे डिटेल्स दिए गए क्या क्या आपको अपलोड करना रहेगा और कितने कितने के बी में और क्या डॉक्यूमेंट रहेगा ये सब चीज़ आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा और ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है सी एस आई आर का यहाँ पर सीरी का ऑफिशियल वेबसाइट है अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया है कि आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है बट यहाँ पर अभी तक लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं है आपका दो तारीख से लिंक एक्टिवेट होगा दो फरवरी से तो ये चीज़ यहाँ पे नोट में मेंशन किया गया है जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको शो कर देगा यहाँ से आपको ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ ऑफिशियल वेबसाइट को आप देख लीजिएगा मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा दो फरवरी से आप अप्लाई कर पाएंगे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद